नमस्कार, आप देख रहे हैं बिकाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ आभा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास बने फाटक पर नहीं है कोई कर्मचारी, फाटक के नीचे से दुपहिया वाहन निकाल रहे हैं लोग। श्रीगंगानगर के आईटीआई कॉलेज में आयोजित किया गया जॉब फेयर, पहुंचे विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि। और विद्युत विभाग की लापरवाही से हो सकता है एक बड़ा हादसा, ट्रांसफार्मर हटाने के बाद लोहे के सरिये दे रहे हैं हादसे को निमंत्रण। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में रेलवे स्टेशन के पास बने फाटक को जून 2014 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इस फाटक के पास बने ओवरब्रिज को अस्थायी रूप से बंद करने के बाद लोगों ने फाटक से आना जाना शुरू कर दिया और अब ओवरब्रिज को खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग इस फाटक से ही आते जाते हैं और लोग फाटक के नीचे से दुपहिया वाहन गुजारते रहते हैं, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस फाटक के पास किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, जिससे हर समय एक बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है कि इस फाटक को बंद कर दिया जाए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। श्रीगंगानगर के जैन आईटीआई में 11 दिसंबर को आयोजित एक दिवसीय मेगा जॉब फेयर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस जॉब फेयर में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक व अन्य व्यवसायों के 692 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर यहां राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सुशील कुमार जांदू, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्यामलाल कुक्कड़ और उप जिला रोजगार अधिकारी दयानंद यादव उपस्थित रहे। यहां विभिन्न कंपनियों के पहुंचे प्रतिनिधियों ने यहां आए हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया और साक्षात्कार में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। यहाँ आए हुए लोगों को संस्थान के इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, डीजल व्यवसायों का भ्रमण करवाया गया और उनके कार्य क्षेत्र की जानकारी दी गई। पीलीबंगा के खरेलिया रोड के आसपास की भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस भूमि पर हाईकोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है और नगरपालिका अधीक्षक अधिकारी के मना करने पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। इस रोड के पास की भूमि पर पिछले 7-8 दिनों से दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था। जब इस बात की जानकारी आसपास के लोगों ने नगरपालिका अधिकारी को दी तो अधिकारी ने तुरंत जाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया, लेकिन कब्जा नहीं हटाया। परिणाम यह निकला कि आज दुकान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और प्रशासन है कि टालमटोल में लगा हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन के पास बाईपास की तरफ से जाने वाली मेन रोड बनकर तैयार है, लेकिन इस सड़क का डिवाइडर निर्माणाधीन है। इस सड़क के बीच में डिवाइडर के निर्माण कार्य के लिए डिवाइडर की जगह मात्र चिन्हित कर छोड़ दिया गया है और डिवाइडर के स्थान पर बेस के लिए डाली गई कंक्रीट सड़क पर बिखर रही है, जिससे करोड़ों की लागत से तैयार सड़क भी खराब हो रही है। कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और इस अधूरे डिवाइडर की कंक्रीट से करोड़ों की लागत से बनी सड़क टूट सकती है। हैरत की बात यह है कि यह सब कार्य प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। आपको बता दें कि यह स्थान कलेक्ट्रेट से महज 50 मीटर की दूरी पर है, फिर भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। शहीद नगर बुड्डा जोड़ में चल रहे ट्रस्ट के विवाद पर सभी इलाके वासियों को बीकाना न्यूज़ की तरफ से अपील है कि इस विवाद को जल्द निपटाने के लिए आप अपने सुझाव नीचे दिए ईमेल पते पर भेजें, धन्यवाद। अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध है हर प्रकार की फसल निकालने वाली मशीनें, खरीदने के लिए संपर्क करें केएस ढोल मंडी, केसरी सिंहपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 9587286515, 9587286566। दीन दुखियों का एक ऐसा आसरा जहां मिलती है हर दर्द की दवा, हर पूर्णमासी को यहां लगता है मेला, हर रविवार व बुधवार को किया जाता है निशुल्क दवाइयों का वितरण। आसरा तेरा बाकी सब टाइयां ढेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां ढेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां ढेरियां, बाकी
शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल बुड्डाजोड़ डाबला, इसके आसपास के छोटे कस्बों और शहरों के निवासियों को अब मिलेगा कम खर्च पर बेहतर इलाज, बड़े शहरों के महंगे इलाज सस्ती दरों पर। बाहरी डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर इलाज करवाने की ऑनलाइन सुविधा के साथ कुशल डॉक्टरों की टीम व नर्सेज स्टाफ, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, लेटेस्ट एक्सरे मशीन व ECG, फिजियोथेरेपी, 24 घंटे इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा, समय समय पर निशुल्क जांच कैंप तथा मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास के मोड़ पर विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण सड़क के किनारे लोहे के सरिये लगा दिए गए हैं, जो कि एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। इन सरियों को यहां पहले ट्रांसफार्मर के सपोर्ट के लिए लगाया गया था, लेकिन अब ट्रांसफार्मर हटा दिया गया है, जिससे ये सरिये ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये सरिये यहाँ लगे हुए हैं, जो कि एक बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। रात के अंधेरे में तो लोगों को अंदाजा भी नहीं रहता कि यहाँ सरिये लगे हुए हैं। अगर विद्युत विभाग द्वारा समय रहते कोई समाधान नहीं किया गया तो यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता है। रेणमलसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर अवस्था में है। यहाँ के LDC व लैब टेक्नीशियन के रूम की हालत भी काफी खराब है। यहाँ के शौचालय की हालत भी बदतर हो चुकी है। यहाँ न तो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोई उचित व्यवस्था की गई है और न ही मरीजों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भामाशाह हरिओम गुप्ता ने भूमि भी दे रखी है। चिकित्सा मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए जल्द ही भवन निर्माण का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक भवन का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। साथ ही चिकित्सा मंत्री को स्टाफ की कमी के बारे में भी सूचित किया गया था, लेकिन अभी तक स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब पूरी तरह से संविदा कर्मियों के भरोसे चल रहा है। पीलीबंगा में नरमे से भरी एक ट्राली ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ट्रैक्टर से अलग हो गई और ट्राली पर सवार एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे पास के एक सरकारी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के नट पुराने होने की वजह से यह घटना हुई है। इस प्रकार की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था, गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस घटना में चालक को कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध है हर प्रकार की फसल निकालने वाली मशीनें। खरीदने के लिए संपर्क करें केएस ढोल मंडी, केसरी सिंहपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 9587286515, 9587286566। दीन दुखियों का एक ऐसा आसरा जहां मिलती है हर दर्द की दवा। हर पूर्णमासी को यहां लगता है मेला। हर रविवार व बुधवार को किया जाता है निशुल्क दवाइयों का वितरण। शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल बुड्डाजोड़ डाबला, इसके आसपास के छोटे कस्बों और शहरों के निवासियों को अब मिलेगा कम खर्च पर बेहतर इलाज, बड़े शहरों के महंगे इलाज सस्ती दरों पर। बाहरी डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर इलाज करवाने की ऑनलाइन सुविधा के साथ कुशल डॉक्टरों की टीम व नर्सेज स्टाफ, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, लेटेस्ट एक्सरे मशीन व ECG, फिजियोथेरेपी, 24 घंटे इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा, समय समय पर निशुल्क जांच कैंप तथा मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था।